जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए आपका कई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो। स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन शिव महा, किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली लच्छा नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध महाराज, दसवीं तिथि को, नवमी को तो ये करोगे, दसवीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की अपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है। हमारा नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त हो चुके हैं, फार्म भर भर कर दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर एक बार महादेव के हाथ जोड़, एक बार उससे कह लो। गीता में कहा कि जब भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा, शंकर भगवान से भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं, भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांछित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर, चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है, तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है। एक लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए, कितने पत्ते, 5, थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए, और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए, और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके डाले हैं उस एक पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज, आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होने की बहुत तकलीफ होती है, तो वो माता प्रसूति का स्मरण कर उस फूल को देवी के चरण में छुआ कर उसको खा लो चला जाए।